हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पावर। स्टडी पावर के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2018 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं और प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। इनसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष किसे दिया गया, या किसी स्पोर्ट पर्सन का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और ये सभी पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। चलिए एक एक करके इनको नोट करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, और क्यों दिया जाता है वो आपके परफॉर्मेंस को देखकर दिया जाता है, आपके एक्सीलेंस परफॉर्मेंस को देखकर दिया जाता है। और पहला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और ये अवार्ड जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखकर दिया जाता है, जो आपके 4 साल का परफॉर्मेंस बताएगा कि ये किसको मिलना है। इसके पॉइंट मिलते हैं, पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आपको ये अवार्ड दिया जाता है। और इसके फर्स्ट जो विनर थे वो 1991 से 92 के बीच में दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, और टोटल 2018 तक के मिलाकर 36 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। इस साल ये अवार्ड 2 लोगों को दिए गए, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी मीराबाई शानू को। और ये जो अवार्ड है वो प्रेसिडेंट द्वारा दिए जाते हैं। इनका जो रिवार्ड्स है वो 7.5 लाख रुपये का होता है, और ये फर्स्ट टाइम 1991 से 92 के बीच में दिए गए थे। अगला अवार्ड है अर्जुन अवार्ड, ये भी आपके 4 साल के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखकर ही दिया जाता है, और ये पहली बार 1961 में दिया गया था, और अब तक 2018 तक मिलाकर ये 720 लोगों को मिल चुका है, और इसका जो रिवार्ड्स होता है वो 5 लाख रुपये का होता है। और ये सलीम दुरानी को दिया गया था, जो पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। इस साल अर्जुन पुरस्कार 20 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। इनसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे किसी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा वो किस खेल से संबंधित है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो पहले हैं नीरज चोपड़ा, ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं और इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। एथलेटिक्स में 3 लोगों को मिला है, नीरज चोपड़ा, जिनसन जॉनसन और हिमा दास। आपको याद रखना है, नीरज चोपड़ा, जिनसन जॉनसन और हिमा दास ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, और इन्हें इस साल अर्जुन अवार्ड भी मिला है। बैडमिंटन में केवल एक प्लेयर को मिला है, जिसका नाम है नीला कुर्ती सिक्की रेड्डी। तो आपको जिस गेम में केवल एक पर्सन को अवार्ड अर्जुन अवार्ड मिला है उन्हें आपको ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है, और जिसमें ज़्यादा लोग मिला है उसमें आपको क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वो किस खेल से संबंधित है, तो आपको इतना उनके बारे में याद रखना है। और आगे हैं बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में भी 1 लोग को मिला है, और वो है सूबेदार सतीश कुमार। और क्रिकेट में भी 1 लोग को मिला है, श्री वो है स्मृति मंदाना। गोल्फ में भी एक ही प्लेयर है, उनका नाम है शुभांकर शर्मा। और हॉकी में 2 प्लेयर हैं, मनप्रीत सिंह और सविता। मनप्रीत सिंह और सविता हॉकी के प्लेयर हैं, और इन्हें इस साल अर्जुन अवार्ड मिला है। और अगले हैं रवि राठौड़, इन्हें पोलो में मिला है। और शूटिंग में 3 लोगों को मिला है, राही सरनोबत, अंकुर मित्तल, श्रेयासी सिंह। शूटिंग में 3 लोग हैं, राही सरनोबत, अंकुर मित्तल और श्रेयासी सिंह, तो इन्हें ज़्यादा याद रखना है। और टेबल टेनिस में 2 लोग, एक मानिका बत्रा, मानिका बत्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ भी सकते हैं, और दूसरे हैं जी सत्यान। तो ये 2 लोग हैं टेबल टेनिस में, मानिका बत्रा और जी सत्यान। रोहन बोपन्ना ये टेनिस के प्लेयर हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रेसलिंग में मिला है सुमित को, और वसूम मिला है पूजा कार्डियन को, और पैरा एथलेटिक्स में मिला है अंकुर धामा को, और पैरा बैडमिंटन में मिला है मनोज सरकार को। तो आपको अर्जुन पुरस्कार के बारे में इतना याद रखना है, और इसका जो रिवार्ड है वो 5 लाख रुपये है, और ये पहली बार 1961 में दिए गए थे। अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है वो कोचों के लिए होता है, और ये जो टीम के कोच बनाए जाते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, और पहली बार ये 1985 में दिया गया था, और 2018 के मिलाकर 104 लोगों को अर्जुन द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। और इसके पहले विजेता थे बालचंद्र भास्कर, ओएम प्रकाश भारद्वाज और ओएम नम्बियर। द्रोणाचार्य अवार्ड इस वर्ष 8 लोगों को मिला है, और ये इसका जो रिवार्ड्स है वो 5 लाख रुपये है, और पहली बार 1985 में दिए गए थे। और इनकी कैटेगरी याद रखनी है आपको, जैसे बॉक्सिंग में मिला है कटप्पा को, और वेट लिफ्टिंग में मिला है विजय शर्मा को, टेबल टेनिस से मिला है श्रीनिवास राव को, एथलेटिक्स में सुखदेव सिंह पन्नू को, और हॉकी में क्लियरेंस लोबो को, और क्रिकेट में मिला है तारक सिन्हा को, और जूडो में मिला है जीवन कुमार शर्मा को, और एथलेटिक्स से मिला है बी आर बीडू को। तो आपको इनके बारे में इतना याद रखना है।
आपको इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो दो बार भी देखेंगे ना, तब भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए। नेक्स्ट है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड आपको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद के लिए ही दिया जाता है, और ये हॉकी के प्लेयर थे। और नेशनल जो स्पोर्ट डे होता है वो हमारे 29 अगस्त को मनाया जाता है, और मेजर ध्यानचंद का जो जन्म भी 29 अगस्त को ही था, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। और ये पहली बार 2002 में दिया गया था, और 2018 तक की मिलाकर ये 54 लोगों को मिल चुका है। और इसके पहले जो विनर थे वो साहुराज बिराजदार थे, अशोक दीवान थे और अपर्णा घोष। और 2017 का जो विनर हैं वो भूपेंद्र सिंह, शाहिद हाकिम और सुमराई तेते थे। इस बार ध्यानचंद अवार्ड 4 लोगों को मिला है। अर्चरी में मिला है सत्यादेव प्रसाद को, और हॉकी में मिला है भारत सिंह छेत्री को, एथलेटिक्स में मिला है बॉबी को, और रेसलिंग में मिला है दादू दत्तात्रेय को। और ध्यानचंद अवार्ड का जो रिवार्ड्स होता है वो 5 लाख रुपए का होता है, और इसके जो पहली बार दिया गया था वो 2002 में दिया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिसका स्पोर्ट्स में यानी प्रोत्साहन के लिए हेल्प की हो, और ये इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 3 ऑर्गेनाइजेशन को मिला हुआ है, जिसमें पहली कैटेगरी में आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट, यानी छोटे छोटे बच्चों को सिखाने या आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है, और ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को मिला हुआ है। और दूसरी कैटेगरी में इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें मिला है JSW स्पोर्ट्स को। और तीसरा है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, यानी कि जो स्पोर्ट में डेवलपमेंट करने से संबंधित है, और इसे मिला है ईसा आउटरीच को। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी माका ट्रॉफी, और ये किसी यूनिवर्सिटी को मिलती है जो टॉप परफॉर्मिंग के लिए, और ये पहली बार 1956 और 1957 के बीच में दी गई थी, और इसका जो रिवार्ड्स है वो ₹10 लाख का रिवार्ड्स होता है इसका। और इस वर्ष ये मौलाना अबुल कलाम जो ट्रॉफी है वो यूनिवर्सिटी को मिली है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो अमृतसर में है।